हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूँ, यदि आप फेसबुक यूज़ करते हैं और बाय द वे आपको वहाँ पर फेसबुक में जो वॉच वीडियो का ऑप्शन होता है वो आपको आइकन उसका शो नहीं हो रहा है, आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आज की इस वीडियो में आप सभी को गाइस बताऊँगा कि आप लोग को उस ऑप्शन को वापस कैसे ला सकते हैं। तो फर्स्टली ऑफ सबसे पहले आप यहाँ पर मेरा फेसबुक मैंने ओपन कर लिया है, आप सबसे पहले देख लीजिए ये वाला आइकन जो यहाँ पर वीडियो वाला आइकन होता है वॉच करने का। यदि ये वाला आइकन आपको नहीं दिख रहा है या गायब हो चुका है तो इसे आप लोग वापस कैसे ला सकते हैं गाइस, इसमें मैं आपको दो ट्रिक बताऊँगा और जो दो ट्रिक होगी वो काफ़ी नॉलेजेबल होगी, आपको वो दो ट्रिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ से कंटेंट से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्टली आपको करना क्या पड़ेगा गाइस, आप लोग को अपना प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको फेसबुक सर्च करना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैंने फेसबुक सर्च कर दिया, यदि आपका फेसबुक अपडेट नहीं है तो सबसे पहले गाइस आप लोग को अपना फेसबुक अपडेट कर लेना पड़ेगा, क्योंकि अपडेट करने के बाद गाइस वहाँ जो फंक्शन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। वाला आइकन यदि गायब हो चुका है तो वापस आ जाएगा, ठीक है। पहला तरीका ये हो गया। अब गाइस दूसरा तरीका ये है कि आप लोग सबसे पहले फेसबुक ओपन कीजिएगा। यदि आप फेसबुक पेज बना लिए हैं तो उसमें पेज में क्या होता है गाइस, वीडियो वाला आइकन नहीं दिखता। जैसे आप मैं क्लिक कर देता हूँ, अपना फेसबुक पेज बनाया हूँ, ठीक है। टीचिंग टू द क्रिएटर अमित मेरा पेज ओपन हो रहा है। तो आप लोग यहाँ गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वॉच वाला आइकन यहाँ पर नहीं दिखता, ठीक है। यहाँ बट गाइस आपका फेसबुक पेज ही दिखता है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ से अपने इसमें आ जाना पड़ेगा, ठीक है। इसको पेज को यहाँ है, यहाँ पर स्विचिंग मेरा आ गया। तो यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन दिख रहा है, यदि इसके बाद भी नहीं दिखता तो आपको करना क्या पड़ेगा, मैं एक आपको बता रहा हूँ आपको करना क्या पड़ेगा, एक सेटिंग और है। तो सबसे पहले गाइस आप लोग को अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करने के बाद गाइस आपको करना क्या पड़ेगा, नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐप्स का। तो ऐप्स वाले ऑप्शन में गाइस यहाँ पर क्लिक करना है, एंड गाइस जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मैनेज ऐप्स पर क्लिक कर देना पड़ेगा, ठीक है। एंड मैनेज ऐप्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक सर्च बार ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर तरफ, इसमें आपको फेसबुक लिख कर सर्च कर देना है, वो क्लिक कर देना पड़ेगा। एंड गाइस फर्स्टली इसमें आपको क्लियर डाटा ऑल पर क्लिक करके पूरा डाटा इरेज कर देना पड़ेगा, मैं यहाँ पर इरेज नहीं करूँगा। इरेज करने के बाद गाइस आपको करना क्या पड़ेगा, आपको उसके बाद गाइस आपको फिर से प्ले स्टोर से अपना फेसबुक इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा, उसके बाद गाइस आपका जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ में।